आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए दुर्ग जिला पुलिस ने जिले में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिले के निगरानी शुदा गुंडे बदमाशों को सेक्टर 6 कोतवाली में तलब किया गया एवं सख्त शब्दों में लगातार हाजिरी लगाने और चुनाव में किसी प्रकार की घटना को अंजाम न देने की चेतावनी दी गई। दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ का राज्यसभा चुनाव होना है, जिसके लिए काफी कम दिन बचे हुए हैं और अभी से ही छत्तीसगढ़ पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के तहत दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन ने दुर्ग जिले के निगरानी शुदा गुंडे बदमाशों को तलब किया और वर्तमान में उनके आय के साधन, उनके रहन सहन पर निगरानी रखते हुए जब तक चुनाव संपन्न न हो जाए तब तक संबंधित थाना में हाजिरी लगाने के आदेश दिए और इस दौरान किसी भी मामले में दोबारा गिरफ्तारी होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जानकारी भी दी। दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन ने लगभग 250 निगरानी शुदा गुंडे बदमाशों को तलब किया था, जिनमें से कुछ उपस्थित नहीं हो पाए। उन्हें दूसरे दिन अपनी हाजिरी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। दुर्ग शहर के जितने भी निगरानी और गुंडा बदमाश हैं उनकी लगातार चेकिंग की जाती है। उनके आय का जरिया और क्या कर रहे हैं, कहाँ उपस्थित हैं, ये थाना स्तर पर लगातार कार्रवाई की जाती है और चुनाव के मद्देनज़र हम लोगों ने इसको और बेहतर करने का प्रयास किया है। अब थाना स्तर पर इनका पतासाजी तो किया जाएगा, साथ में सेंट्रलाइज तरीके से कंट्रोल रूम में भी इनको तलब किया जाएगा। इनकी उपस्थिति, हाजिरी ली जाएगी, इनके आय का जरिया और उपस्थिति आदि के बारे में जानकारी ली जाएगी और ये लगातार जारी रहेगा। हमारा कोशिश ये है कि चुनाव के पूर्व अपराधों पर अंकुश और ऐसे आपराधिक तत्वों पर लगातार हमारी दबाव बने रहे और इन पर अंकुश लग सके। कितने लोग? लगभग 250 की संख्या में तलब किए गए हैं और कुछ जो अपने आप को जो उपस्थित नहीं है, घरों में नहीं मिले, उनको कल 11 बजे पुनः तलब किया गया है। उनकी हाजिरी ली जाएगी कल 11 बजे। गौरतलब है कि चुनाव नगरी निकाय के हो, विधानसभा के हो या फिर लोकसभा के, ऐसे गुंडे बदमाशों को अपने थोड़े से राजनीतिक सफलता के लिए उपयोग किया जाता रहा है, जिसे देखते हुए दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन ने इतना सख्त कदम उठाया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।